डिटरमिनेंट्स के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो कॉन्सेप्ट पे बेस ये तीन क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है, इवेल्युएट डी, ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर डी, 5, 2, -1 और 4, देयरफॉर डी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि जो भी डायगोनल वाले लोग हैं उसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आने वाला है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 और 20 बीच में माइनस, और फिर जो नॉन डायगोनल वाले लोग हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 2 और साइन है माइनस की, यानी कि -2 आएगा। देयरफॉर इसका आंसर क्या आने वाला है, 20 -2 व्हिच इज इक्वल टू 22। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में है एक्सपान करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सपान करना है हमको इस डिटरमिनेंट को। ठीक है, डिटरमिनेंट मेरे पास 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1। तो देखो एक्सपान करने के लिए सबसे पहला मैंने क्या बोला कि इस डिटरमिनेंट के ऊपर कभी भी डिटरमिनेंट अगर 3 ऑर्डर का आता है तो सबसे पहले ऊपर क्या लिख लो, प्लस माइनस और प्लस, पहली चीज। अब इसको करेंगे कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू 3 विद साइन, यानी कि प्लस 3, मैंने 3 ले लिया, फिर क्या बनाओ डिटरमिनेंट, इसके बाद में 2 विद साइन, यानी कि आने वाला है -2, फिर से आएगा डिटरमिनेंट 1 विद साइन जो कि है +1, अगेन डिटरमिनेंट। ठीक है, अभी इतना करने के बाद जो देखो मेरा 3 है ना वो कहाँ पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको क्या करूँगा, हाइड कर दूंगा, मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करूंगा, तो मेरे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो कौन से रहेंगे, 2, 3, 3, 1। नेक्स्ट है 2, तो 2 जो है फर्स्ट रो में है लेकिन सेकेंड कॉलम में, 2 जो है फर्स्ट रो में है लेकिन सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड किया तो एलिमेंट्स जो बचेंगे मेरे पास वो कौन से रहेंगे, 1, 3, 3, 1। सिमिलरली देखो जो 1 है ना वो फर्स्ट रो में लेकिन थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो में लेकिन थर्ड कॉलम में, तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कौन से रहेंगे, 1, 3, 2, 3। इतना क्लियर। अभी इसके बाद देखो ये डिटरमिनेंट हो गया ऑर्डर 2 का, ये भी वैसा ही हो गया, ये भी वैसा ही होगा, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा डायगोनल वाले को, 2 1 2 -3 9, -2 नीचे कैरी किया, 1 1 1 माइनस अगेन 3 3 9 +1 3 1 3 -3 2 6, ठीक है, इक्वल टू 3। इधर पे मुझे आने वाला है -7 -2, यहाँ पे आने वाला है -8 +1, और इधर पे आने वाला है -3। अभी इसको 3 7 21 with sign माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, 8 1 8 8 2 16 +-3 1 3। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, पहले इसको माइनस कर लेता हूँ, 16 है 21 है, माइनस प्लस क्या होगा, फिर से माइनस होएगा, तो यहाँ पे मुझे आने वाला है -5 -3, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, -8। क्लियर, वीडियो में आ रहे, तो ये मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर दिया। अभी इसके जो बात का क्वेश्चन है वो ये है कि इफ मुझे डिटरमिनेंट इक्वल टू 32 दिया हुआ है और मुझे क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये भी देखो एकदम सिंपल है, सेम चीज, डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या है, 32। ठीक है, ये 2 ऑर्डर का है तो डायगोनल वाले को मल्टीप्लाई करो, नॉन डायगोनल वाले को मल्टीप्लाई करो, 3x x प्लस 1 बीच में आने वाला है माइनस, x
इंटू सेवन इज इक्वल टू थ्री। अभी थ्री एक्स है तो इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनने वाला है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स इक्वल टू थर्टी टू। अगर हम इसको सॉल्व करें तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 फोर एक्स आएगा, थर्टी टू को अगर मैं इक्वल टू के ए साइड लेता हूँ तो प्लस थर्टी टू जो है वो माइनस थर्टी टू बन जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो। तो देखो अभी ना ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, थ्री एक्स अंदर बचेगा एक्स माइनस फोर प्लस एट एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है। देयरफॉर अभी क्या करूंगा मैं, थ्री एक्स प्लस एट एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो इतना हो गया। इसको आगे सॉल्व करूँ तो ये ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है, तो ये ऐसे हो जाएगा थ्री एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एट अपॉन थ्री यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है फोर। तो हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है, ओके। होप आपको वीडियो समझा रहेगा, बट स्टिल अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो प्लीज मुझे मेल करो, आपका जो भी क्वेरीज है मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है, ओके।